हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बढ़ते प्रदूषण को कैसे भगाएं। दोस्तों, नींद जब बुलाते हैं तब आती नहीं है, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तब दौड़ती चली आ जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आती हुई नींद को दूर कैसे भगाना है। दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको नींद सिर्फ एक ही कारण से आती होगी, वो है आपकी पोजीशन। आप पढ़ाई करने के लिए कैसे बैठते हो, ये सबसे बड़ा रोल क्रिएट करता है आपकी नींद को बुलाने के लिए। दोस्तों, आप पढ़ाई करने के लिए ज्यादातर ऐसे बैठते होंगे। आप अगर उस पोजीशन में बैठोगे जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल लगता है, तो उस पोजीशन में आपको नींद आएगी ही आएगी, ये तो मेरी गारंटी है। आप पढ़ाई करने जाते हो तो आप दो काम करते हो, पहला तो है कि पढ़ना, दूसरा तो है कि लिखना। अगर आपका मुंह आपके हाथ पे आ गया तो समझ लेना ये चुड़ैल आपके पास आएगी ही आएगी। तो इस पूरी वीडियो को समराइज करें तो क्या निकलता है, आपको ऐसी पोजीशन में बैठना है जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल नहीं हो। अगर आप उन पोजीशन में बैठोगे जिन पोजीशन में आपको कंफर्टेबल होता है, तो आपको नींद आएगी आएगी।